19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान होना है, जिसमें आरटीओ की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गाड़ियों की व्यवस्था करने को लेकर होती है। देहरादून की अगर बात करें तो लगभग 1500 वाहनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी फिलहाल आरटीओ को दी गई है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा के अनुसार शासन की ओर से जितने वाहनों की व्यवस्था करने की बात की गई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, और साथ ही जिन वाहनों में ईवीएम मशीन जाएंगी उन पर भी जीपीएस लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं जो ड्राइवर मतदान के दिन वाहनों का संचालन करेंगे उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिलवाया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारे आरटीओ कार्यालय के स्तर से चारों जिलों में, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। जहाँ तक देहरादून का सवाल है तो यहाँ पर कुल जो आवश्यकता है वो 1398 वाहनों की आवश्यकता है। इसके अलावा 150 वाहन सीनियर सिटीजन्स के लिए मांगे गए हैं और हैंडीकैप के लिए 52 और अतिरिक्त वाहन मांगे गए हैं। इन वाहनों की व्यवस्था हो चुकी है और उनको दिया जा चुका है। इसके अलावा जो गाड़ियों में ईवीएम जाएगा उन गाड़ियों में जीपीएस लगाने का कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया है। और इसके अलावा जो हमारे ड्राइवर्स हैं जो ड्यूटी पर रहेंगे जिस दिन चुनाव होगा उनके बैलेट उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने के लिए उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और उनके द्वारा पोस्टल बैलेट पूरी तरह अपने अधिकार का प्रयोग किया जाएगा।